बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ और आज मैंने अपनी पूरी बहस आप ही का नाम लेकर शुरू की। और देखिए, हर मुल्क के इतिहास में मौका आता है, कुछ मौका ऐसा होता है जो 100 साल के लिए। तो आज आपने जो क्रांति की उससे देश में एक नई मजबूती आई है और आप सभी मेरे घर पर आई हैं, तो आपका बहुत बहुत मैं खैर मकदम करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप ठंडे में हैं लेकिन आपने जो उत्साह दिखाया है। उनसे रविशंकर प्रसाद जी ये बातें कह रहे थे, सायरा बानो हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपने सभी महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। और सर, बहुत देर से सब इंतजार कर रही हैं, कईयों के पास सवाल भी है आपके लिए। मैंने कहा था कि ये सब पीड़िता नहीं है बल्कि ये योद्धा है, इन्होंने अगुवाई की लड़ाई सबने लड़ी है जी। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने ऐसे सुना है कि पेंडिंग केसेस पे अप्लाई नहीं होगा। सर मेरी रिक्वेस्ट है, पेंडिंग केसेस पे अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ जितनी भी यहाँ विक्टिम्स लेडी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें सर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक एक करके, बहुत सारे सवाल हैं इन सब के, हम एक एक करके सबका जवाब लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सब शुक्रिया करना चाहती थी आपका, इसीलिए हमने यहाँ पर इनके बीच से शुरुआत की। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे और नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने, और आपने हम लोगों के दर्द को समझते हुए आज जो हमें जीत दिलाई है, मैं आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ। देखिए, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ और ये बिल्कुल दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, इस बिल में कोई सियासत नहीं है। देखिए, हम हिंदुस्तान के 70% भूभाग पे राज करते हैं, हमारी 18 सरकारें हैं राज्यों में, हम दिल्ली में राज करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने दिल से एक बदलाव की बुनियाद रखी है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि जब आपने, सारा बानो जी ने अब केस फाइल किया था तो मैं कानून मंत्री था, तो नोटिस आई थी सरकार के पास, तो जो मैंने सदन में बताया, पीएम साहब के पास मैं गया कि आपका क्या निर्देश है, उन्होंने कहा जाओ पूरी मजबूती से 3 तलाक की पीड़ित बहनों के साथ खड़े रहो।